मुबारक दूंगा। ये कुर्बानी का त्यौहार है और इस त्यौहार में हमारे सभी भाई बहनों को मैं मुबारक देते हुए इतना ही कहूंगा, हिंदुस्तान ऐसा एक देश है कि जहां पर सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं और ऐसी कौमी एकता हमेशा बने रहे। कोई भी जातिवादी व्यवस्था जो देश को तबाह करना चाहती है, ऐसी व्यवस्था से हम बचे रहें और देश की एकात्मता के लिए हम काम करें, यही इस त्यौहार का सबसे बड़ा हमारा मकसद है। और मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग इस त्यौहार के माध्यम से एक कौमी एकता बनाने का भी संकल्प लेंगे। और पुनः मैं आप लोगों को इस बकरीद की बहुत बहुत शुक्रिया। बकरीद के मौके पे मेरे तमाम भाइयों और बहनों को बहुत बहुत मुबारक। अवामी टाइम्स चैनल के माध्यम से मैं सभी हमारे तमाम मेरे भाई बहनों को, जो मुस्लिम हैं, उनको सभी को मैं बहुत सारी बकरीद की शुभकामनाएं देती हूँ। और इस बकरीद का उद्देश्य यही है कि भाईचारा और मोहब्बत का संदेश हम लोग एक दूसरे को देना चाहते हैं। तो मेरे सभी तमाम मुस्लिम भाई बहन को मैं बकरीद की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अज़ा के इस शरीफ मौके के सब लोगों को मैं दिले जहाँ से मुबारकबाद देता हूँ। और ये बकरीद सब गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसके साथ मनाई जाए। सब हम घरों में अपनी ईद मनाएंगे और इसके साथ आप अच्छी और सब उत्साहपूर्वक ये ईद मनाएंगे। सबसे पहले तो मैं आने वाले बकरीद की बहुत बहुत सब मेरे भाइयों को बधाई देना चाहूँगा। बकरीद ये ऐसा त्यौहार कि आवाम को शांति पथ पर ले जाने वाला त्यौहार, सब आवाम को जोड़ने वाला ऐसा त्यौहार जिसमें भाईचारा को बढ़ावा मिलता है। इस त्यौहार की बधाई देते हुए मैं यही चाहूँगा, हिंदुस्तान के लिए जिन जिन लोगों ने अपना समय, अपना खून और हिंदुस्तान के प्रति जो अपनी भूमि से जितना प्यार, जमी से प्यार करते हैं, उन सब भाइयों को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा। और इसी के साथ जो भी ये त्यौहार होता है, हम लोग हिंदू में दिवाली मनाते हैं, वैसा ही ये बकरीद का ये त्यौहार होता है। तो हिंदू और हो मुस्लिम हो, हम लोग एक में एक दूसरों के त्यौहार में शरीक होकर ये त्यौहार मनाएं तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसीलिए इस त्यौहार की बधाई मैं आप सभी मेरे भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को देना चाहूँगा और बहुत बहुत मैं इसे बधाई दूँगा। सबसे पहले मैं ईद उल अज़हा के लिए सभी मेरे मुसलमान भाइयों बहनों को प्यार भरा ये जो त्यौहार है इसकी मैं शुभकामनाएं दूंगा। और यही मैं बताना चाहूँगा कि ये त्यौहार जो है ये हम शांति अमन रखने के लिए करते हैं, एक दूसरों के लिए प्यार बांटने के लिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। और मुझे पूरे विश्वास है, आज जिस हलके से मैं काम कर रहा हूँ, जिस हलके में लोग मुझसे जो प्यार मुझे दे रहे हैं और जिस तरह से हम लोग एकता से काम कर रहे हैं, वो एकता को देखते हुए हर साल ये जो त्यौहार है एक अलग खुशी में हम लोग ये मनाते हैं। और ख़ास करें भाईकला हलके में जितनी भी मुस्लिम अवाम है, उन्हीं के साथ साथ में, मुस्लिमों के साथ साथ में दूसरे भी कौम के जो लोग हैं, वो हम सभी लोग मिलके इसका जो आनंद लेते हैं, वो एक अलग आनंद हमें यहाँ पर लेने का जो मौका इस त्यौहार के ज़रिए हमको नसीब होता है, मैं सभी मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों को, तमाम मेरे भाईकला के मुस्लिम अवाम के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि ईद उल अज़हा की आपको मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं।
और जब भी इस हल्के में जो भी आप लोग ये त्यौहार में जो जो अच्छी चीज़ करना चाहोगे, मैं अल्लाह को यही दरख्वास्त करूँगा कि आपको उसमें कामयाबी मिले और जो भी आपके दिल में जो भी आपकी मुरादें हो वो सब पूरी हो जाए। बस एक दुआ की दरख्वास्त आपके पास रहेगी, दुआ में ज़रूर याद रखना। और फिर से आप सभी के लिए मैं बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।